digestive system. Pa. ना ना इसे ना पाचन क्या देखते हैं पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए पाचन तंत्र क्या होता है जटिल चीजों को तोड़ ताड़ के रद्द कर देना क्या कहलाता है पाचन जटिल चीजों को तोड़ ताड़ देना क्या कहलाता है पाचन पाचन समझना क्या कि नहीं कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ और एकदम जूस बना देना क्या कहलाएगा पाचन तो पाचन का मुख्य उद्देश्य खाना में हम जो कुछ खाए कार्ब विटामिन प्रोटीन सब सबको कूच काच के क्या बना देना है जूस बना वही क्या हो गया पाचन पाचन स्टार्ट हो जाता है मुंह से समझना क्या पहला पाचन तो मुंह से चालू होता है अब पाचन की पहली क्रिया करता है दांत हाथ नहीं कई लोग कहेगा कि सर जब दांत कर सकता है तो हाथ का ही नहीं हाथ बस उसका साइज छोटा करता है उसे कंपोनेंट में नहीं तोड़ता है समझना क्या जैसे एक रोटी इतना बड़ा नहीं खा सकता है बस उसका साइज को क्या किया छोटा किया और उसके बाद से मेन काम दांत तो जिसमें तोड़ फोड़ की क्रिया होती है ना उसे कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी क्या कहेंगे फिजिकल तो पाचन फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं है दांत फिजिकल एक्टिविटी है और जिसमें कोई रसायन मिलाया जाता है हार्मोन विटामिन प्रोटीन ये सब उसे कहते हैं केमिकल तो पाचन दोनों है पहले होता है फिजिकल और उसको जीभ में से ना हमारा लार्वा निकला होता है स्लाइवा उसमें थूक मिलाते रहते हैं टाइलिन एंजाइम फिजिकल केमिकल उसी को क्या कहें फिजियो केमिकल तो पाचन कैसी क्रिया है फिजियो केमिकल केवल फिजिकल है क्या है केमिकल हाँ हालांकि बचपन में जो छोटा बच्चा होता है वो केवल केमिकल रिएक्शन से पाचन करता है दांत तो रहता नहीं तो उसको ऐसा खाना दिए तो सड़क दे घोट जाए दूध पिलाया जाता है सेरेलेक्स का उसका वो हलवा आता है वो फिर सूजी का हलवा दिया जाता है उसको धीरे धीरे सेरेलेक्स तो अमीर उमीर के घर में नॉर्मल है तो सूजी ही खिलाया जाता है गरीब घर में सेरेलेक्स आएगा जो बढ़िया घर है वहां पे सेरेलेक्स आने वाला है नहीं आएगा तो क्या पिलाएगा वहां पे छोटे बच्चे लोग को अभी तो आप लोग गरीबी उतना पास से देखभे नहीं किए लोग छोटे बच्चे को खाना में पहले जानते क्या सूजी का अगर हलवा नहीं भी है ना तो जो रोटी बनता है ना तो रोटी का ऊपर का जो परथनवा हो जाता है ना फूल जाता है उसको निकाल के उसकी माँ दूध में मल के उसको थोड़ा थोड़ा खिला देती है दाल में दूध में किसी चीज हलवा का नहीं तो जो अमीर वाला है सेरेलेक्स और उसमें भी हर महीने का अलग अलग साइज चेंज हो जाता है तो हम लोग में फिजियो केमिकल चलता है क्या चलता है फिजियो केमिकल अब देखिए पाचन की जो क्रिया होती है वो दो भागों में बटी रहती है एक मेन रास्ते में और एक सहयोगी रास्ते में तो जैसे हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले जाता है मुंह में कहां जाएगा मुंह में तो उसे मुंह में खाली जगह होता है तो खाली जगह को कैविटी कहते हैं या गुहा कहते हैं तबे ना खाना जा रहा है कान से ठूस के देखिए ना जाएगा खाली जगह नहीं है यहाँ पे तो सबसे पहले पाचन कहां से आता है मुख गुहा से कहां से मुख गुहा से अब मुख गुहा के बाद ग्रास नली क्या होता है ग्रास नली क्या से ग्रास नली समझना क्या ग्रास नली ये हो गया ग्रास नली 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है डिपेंड करता है लंबाई कितनी है आदमी की जितनी लंबाई रहेगी उतनी होगी अमूमन कितना होता है 15 सेंटीमीटर के आसपास ग्रास नली यहां से मुंह से पेट का कनेक्शन होता है 15 से 20 सेंटीमीटर समझना क्या कि नहीं आ गया यहाँ पे तो कौन सा हो गया ग्रास नली तो बताइए मुख गुहा ग्रास नली के बाद खाना जाता है पेट में कहां जाएगा पेट में कहां जाएगा पेट में पेट को कहते हैं अमाशय क्या कहेंगे अमाशय ग्रास नली के बाद अमाशय के बाद छोटी आंत में अमाशय के बाद छोटी आंत अमाशय के बाद तो बोलिए खाना पहले मुख गुहा ग्रास नली अमाशय छोटी आंत अमाशय पेट को क्या कहेंगे अमाशय पेट को अमाशय समझा गया बोलिए मुख गुहा ग्रास नली अमाशय छोटी आंत बकलोलवा बोल के याद करो लोग समझा गया बोल के याद करने लगा सबसे पूर बकलोल है सर आचार देख के मुंह में पानी क्यों आ जाता है उसका भी रीजन है हर चीज के यहाँ पे हमारे भोज टाइलिन एंजाइम का ही काम होता है पचाना समझा गया जिस चीज को पचाना काफी मुश्किल होता है ना उस टाइम पे ब्रेन तुरंत टाइलिन को आदेश देता है कि एक पचाना बहुत मुश्किल है बहुत क्या है मुश्किल है इसके पावर को कम करो रीजन क्या है अचार अम्ली है अब पेट में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अम्ली इंटू अम्ली सुपर अम्ली हो जाएगा
समझा गया, इसलिए तुरंत ब्रेन देख लेता और इस ससुरा अचार है, रे बाप रे बाप, पूरा एसिडिक है, एसिडिक एसिड अचार में रहता है, अम्लीय है, इसको तनी पंचुचूर कर दो, क्या करो पंचुचूर करो, तो ये तुरंत टाइलिन एंजाइम में आता है, देख लेता अच्छा इसको पंचुचूर करना, रुको एक कटोरा ला टपका देता है, एक कटोरा क्या आता है पंच हो गया पंचुचूर गया, यहाँ पे सिंपल सिस्टम है, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझो ध्यान से, पहला बोलिए मुख गुहा ग्रास नली आमाशय छोटी आंत, वापस मुख गुहा अग्ना आमाशय छोटी आंत, हो गया छोटी आंत, छोटी आंत के बाद खाना जाता है बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा बड़ी आंत में, कहाँ जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत कहाँ गया वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को क्या कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये जाएगा मलाशय में, कहाँ जाएगा मलाशय, कहाँ जाएगा मलाशय, यहाँ वेस्टेज क्या रहेगा स्टोर रहेगा, उसके बाद से एनस गुदा के रास्ते बाहर हो जाएगा, गुदा यानी एनस के रास्ते क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो ये पूरा का खाने का ये पूरा रास्ता है, यहाँ पे पहला बोलिए मुख गुहा ग्रास नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत मलाशय, क्या हो गया मलाशय, मलाशय के बाद गुदा यानी एनस से बाहर चला गया, समझ गया, इतने रास्ते में हमारा भोजन रहता है, भोजन जिन जिन रास्तों को फॉलो करता है उन रास्तों यही वो रास्ते हैं, भोजन इन्हीं रास्तों को फॉलो करेगा, बोलिए मुख गुहा ग्रास नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत मलाशय एनस, मलाशय के पास एनस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं, इतने जगह से ही खाना गुजरता है, इन पूरे रास्ते को हम भोजन का रास्ता, भोजन का नली या आहार नाल कहते हैं, नली तो है नहीं नाल है ससुराई, तो नली लग रहा है नाल है एकदम बड़का, इसलिए आहार नली नहीं आहार नाल, समझ आ गया कि नहीं है, तो आहार नाल कहां से शुरू होगा, मुख गुहा ग्रास नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत मलाशय एनस, समझ आ गया, इसे क्या कहेंगे आहार नाल, अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल, क्या कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, हम लोग जब पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में ना, तो हम लोग को लगता था कि आहार नाल आई करे बोला जाता है, ये तो नली है, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोग को लगता था यही आहार नाल है, ये तो ग्रास नली है, क्या है ग्रास, ग्रास नली पूरे आहार नाल का एक हिस्सा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर किसी का पेट चीर दिया जाए लोअर एब्डोमेन, पेट को क्या कहते हैं एब्डोमेन, बेल्ट जहां हम लोग पहनते हैं लोअर एब्डोमेन होता है, लोअर एब्डोमेन चीर के अब बड़ी अथवा पकड़ के खींचा जाए, क्या किया जाए बड़की अथवा पकड़ के खींच दिया जाए, तो पहले क्या निकलेगा बड़की आंत, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद आमाशय, उसके बाद ग्रास, ग्रास नली को हुमाज के खींचेगा ना तो जबान वबान सब बाहर फेंक देगा, इसे निकल गया यहां पे, और जब उसको लंबाई में सजाइएगा ना तो 30 फीट होगा, कितना फीट 30 फीट 30 फीट 1 2 3 4 5 यहां तक, उस दीवार से यहां तक आएगा, देखिए उस दीवार से इतना यहां तक आएगा, हाँ 30 फीट आएगा, इतना आपकी लंबाई नहीं, तो ऐसे रस्सी ऐसे रखा है उसने तो लंबाई तो बढ़ी, किसी चीज को ऐसे गोल करके रख दीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे, अब 30 फीट रस्सी को आप ऐसे रखिएगा तो इतने में ना आएगा, खोलिएगा तो क्या होगा लंबा हो जाएगा, तो ऐठ के ना रखा है, क्या किया है ऐठ के रखा हुआ है, समझा गया, बहुत खतरनाक होता है, हाँ